सो फाइनली गाइज Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च हो चुका है इंडिया में, ग्लोबल डेब्यू किया है और बड़े इंप्रेसिव स्पेक्स आए हैं। बट आज हम कंपेयर करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro को वर्सेस Realme Narzo 30 Pro, देखते हैं इनमें से कौन सा बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी है। तो शुरू करने से पहले ये जो लाल बटन है दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छे लगे। तो चलिए चलते हैं। सो सबसे पहले अगर बात करें लुक्स की, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं आगे फ्रंट से, तो बस Narzo में लेफ्ट तरफ पंच होल डिस्प्ले कैमरा है और आपका Redmi में बीच में है। और अगर पीछे से बात की जाए तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है आपका Narzo में और आपका Redmi में है क्वाड कैमरा सेटअप। बट Redmi का थोड़ा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसका ग्लास बैक है तो ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। Narzo का पॉलीकार्बोनेट बैक है और पीछे से डिसेंट ही लग रहा है। दोनों की ब्रांडिंग Narzo और Redmi दोनों सेम ही जगह पे एग्जैक्ट है, बट देखा जाए तो प्रीमियम लुकिंग फोन इज Redmi Note 10 Pro। सो अब बात कर लेते हैं स्पेक्स की के अंदर लगा क्या है। तो Realme Narzo 30 Pro में लगा है आपका 6.5 इंच का डिस्प्ले जो कि IPS फुल HD प्लस है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आता है और Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन है। उसमें बात करें Redmi Note 10 Pro में आपका लगा है 6.67 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले और आपका आता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन आपको मिलती है। उसके बाद बात करें अगर प्रोसेसर की, तो Realme में लगा है आपका Dimensity 800U का 5G प्रोसेसर, जबकि Redmi में लगा है आपका Snapdragon का 732G प्रोसेसर जो कि 4G है। बट उसके बाद बात करें अगर हम GPU क्या है, तो ARM G57 का GPU लगा है Realme में और Redmi में लगा है आपका Adreno 618 का GPU। उसके बाद बात करें कि वेरिएंट्स क्या क्या आ जाते हैं, तो 6 और 8GB RAM के वेरिएंट्स में आ जाएगा और अप टू 128GB आपको स्टोरेज मिल जाएगी दोनों में ही। बट यहाँ पे UFS 2.1 का यूज़ किया है Realme ने, जबकि Redmi ने यूज़ किया UFS 2.2 का स्टोरेज जिसमें ज़्यादा फास्टर रीड एंड राइट स्पीड मिल सकती है। उसके बाद बात करें अगर हम सॉफ्टवेयर की, तो भाई MIUI 12 पे चलता है आपका Redmi का, जिसमें आपको बेस्ड ऑन Android 11 मिलता है, जबकि Realme में आपको मिलता है Realme UI जो कि बेस्ड है Android 10 पे। सो अगर अब बात करें बैटरी की, तो दोनों में 5000 mAh बैटरी है, बट थोड़ा सा ज़्यादा है Redmi में 20 mAh एक्स्ट्रा। और उसके बाद बात करें कि टाइप सी का चार्जर मिल जाता है आपको, 30 वॉट का चार्जर मिल जाता है इन द बॉक्स Realme में, और Redmi में मिल जाता है 33 वॉट का चार्जर। उसके बाद बात करें कि फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड माउंटेड है दोनों में ही और कैरियर एग्रीगेशन दोनों सपोर्ट करते हैं। IR रिमोट आपको मिल जाता है Redmi में, जबकि Realme में ऐसा कुछ नहीं मिलता। हेडफोन जैक दोनों में ही है। उसके बाद अगर हम बात करें कि दोनों ही डुअल बैंड है 2.4 GHz एंड 5 GHz वाईफाई कनेक्ट करते हैं। ब्लूटूथ 5.1 है आपका Realme में, जबकि आपको Redmi में मिलता है ब्लूटूथ 5.0। Realme में आपको मिल जाते हैं मोनो स्पीकर्स, जबकि Redmi में आपको मिलते हैं स्टीरियो स्पीकर्स, तो ज़्यादा अच्छी ऑडियो आएगी यार। उसके बाद बात करें अगर हम सिम की, तो भाई हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है आपको Realme में, जिसमें कि एक सिम या तो एक HD कार्ड या फिर दोनों सिम, और अप टू एक्सपेंडेबल है 256GB तक, जबकि आपका Redmi में आपको मिलता है ट्रिपल स्लॉट। यार बहुत अच्छी बात है, मतलब दो सिम और एक HD कार्ड भी लगा सकते हो, वो भी अप टू 512GB का, तो ये तो कमाल चीज़ है। सो अब बात कर लेते हैं कैमरास की, तो आंखें कितने मेगापिक्सल की हैं इनकी। तो Realme Narzo 30 Pro में आपका लगा है ट्रिपल कैमरा का सेटअप, जिसमें आपको मिल जाता है मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ, जो कि सैमसंग GM1 सेंसर है। उसके बाद करें Redmi Note 10 Pro में आपको मिल जाता है क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें फर्स्ट कैमरा मेन कैमरा आपको मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का f1.9 अपर्चर के साथ, जो कि सैमसंग का GW3 सेंसर के साथ आता है, और दोनों में ही आपको 4K 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड आपको 8 मेगापिक्सल का दोनों में कैमरा मिल जाता है। उसके बाद बात करें मैक्रो लेंस आता है Realme में आपका 2 मेगापिक्सल का, जबकि Redmi में है 5 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो लेंस, जो कि ज़्यादा क्लोज जाके आप फोटो खींच सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें Redmi में एक और लेंस आता है जो कि 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है, जो कि नहीं भी होता तो भी चलता है। उसके बाद बात करें फ्रंट में, दोनों के ही 16 मेगापिक्सल का पंच होल डिस्प्ले में कैमराज हैं और दोनों में ही फेस अनलॉक है। सो अब बात करते हैं प्राइस की, मतलब कितना लगेगा। तो Realme Narzo 30 Pro आपको 664GB RAM वेरिएंट मिल जाएगा 16999 का, और वहीं Redmi Note 10 Pro आपको 664GB RAM वेरिएंट मिल जाएगा 15999 का। और वहीं बात करें 6 128GB RAM वेरिएंट जो कि Redmi Note 10 Pro में आता है, वो आपको मिल जाएगा 16999 का। और वहीं अगर आप बात करें Realme में, तो 8 128GB RAM वेरिएंट आता है जो कि आपको मिल जाएगा 19999 का। और उसमें अगर Redmi Note 10 Pro में बात करें, तो 8 128GB RAM वेरिएंट मिल जाएगा आपको 18999 का। दोनों में ही आपको अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। और अगर सेल की बात करें कहाँ मिलेगा, तो Realme का आपको मिल जाएगा Flipkart पे,
8 मार्च को, और आपका ये Redmi Note 10 Pro मिल जाएगा आपको Amazon पे 17 मार्च को, दोनों ही 12 बजे सेल पे जाएंगे। दोनों में ही ICICI कार्ड क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि 1000 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली 1000 डिस्काउंट करके चलिए अगर आपके पास ICICI बैंक का कार्ड है, वरना किसी और से ले लीजिएगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अगर आप उस लिंक को क्लिक करके कुछ भी लेंगे, अगर ये फ़ोन भी लेंगे, तो इस चैनल को हेल्प होती है, सो उसके लिए थैंक यू। सो अगर अब हम बात करें कि करना क्या चाहिए, मेरा ओपिनियन क्या है और एक्चुअल में हुआ क्या है, ये मतलब कि क्या करें, क्या कन्फ्यूजन इतनी हो रही है कि 5G लें नहीं लें, क्योंकि मेजर डिफरेंस यही है कि 5G नहीं है आपका रेडमी में सीरीज़ में, Redmi Note सीरीज़ में, और आपका Realme Narzo 30 Pro और Realme X7 ये सब 5G है। सो ओपिनियन मेरा यही है फ्रैंकली कि अगर आप 1-2 साल में फ़ोन चेंज करते हैं तो आप फिर ले सकते हैं Redmi Note 10 Pro। बहुत अच्छा फ़ोन है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के सामने कोई नहीं आ सकता, मतलब इतना प्यारा डिस्प्ले होता है कि बहुत अच्छा, ऊपर से रिफ्रेश रेट भी 120Hz, तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल रहे हैं आपको, जो कि रियलमी में नहीं मिल रहे हैं, और बहुत सारे चेंजेस हैं। बट मेजर फ्लॉ, मेजर पॉजिटिव पॉइंट आता है आपका सिर्फ 5G, 5G के लिए सिर्फ रियलमी नार्जो। अगर आप 3-4 साल तक यूज़ करते हैं फ़ोन, किसी को भी एटलीस्ट 3 साल भी करते हैं, तो अगले साल तक तो पक्का 5G आ ही जाएगा। इस साल थोड़ा डाइसी लग रहा है, क्योंकि अभी तक स्पेक्ट्रम का एलोकेशन भी नहीं हुआ है, जो कि मतलब कंपनीज को बोली लगाएंगे। अभी जो हुआ था रिसेंटली, आपको लग रहा होगा वो 4G स्पेक्ट्रम का था, 5G स्पेक्ट्रम का अभी तक एलोकेशन नहीं हुआ, जो कि आने वाले टाइम में हो जाएगा, इसी साल में। सो टाइम लग सकता है 5G को आने में, अभी तक यही स्पेकुलेशन चल रहा है। अब पूरी तरह से रोल आउट होने में तो वैसे ही सालों साल लगेंगे, पता नहीं कितने टाइम लगेगा। तो अभी के लिए अगर आप 5G के लिए जा रहे हैं तो फिर Realme Narzo, अदरवाइज़ अगर आपको बहुत अच्छा फ़ोन चाहिए प्रीमियम, तो आप जा सकते हैं Redmi Note 10 Pro, और दो साल तक एटलीस्ट यूज़ कीजिएगा, उसके बाद चेंज कर सकते हैं अगर आपको 5G चाहिए तो। बस मेरा यही फ्रैंक ओपिनियन है। और Redmi Note 10 Pro Max बहुत डाइसी सीन है, मतलब इससे अच्छा तो Mi 10i जो इनका खुद का आता है वो ले लीजिए। ठीक है, आप सुपर एमोलेड छोड़ देंगे, तो इससे अच्छा फिर Realme X7 में चले जाइए, अगर 20,000 में आपको चाहिए, सुपर एमोलेड भी मिल जाएगा, 5G भी मिल जाएगा। सबके अपने अपने कुछ कॉन्स हैं, कुछ प्रोज हैं, तो वो देख सकते हैं। और Redmi Note 10 बहुत ही प्यारा फ़ोन है, मतलब 12,000 में तो बेस्ट है, तो वो लेना है तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा डिवाइस है। सो वो उस प्राइस रेंज, मतलब 15,000 से पीछे ऊपर के जो है, मतलब सस्ते वाले 15,000 से सस्ते जो फ़ोन है वो आप कोई भी ले सकते हैं 4G का। बट 15,000 से 20,000 के अगर आप हैं सेगमेंट में, तो मैं बोलूँगा कि 5G ले लो, अगर आप फ्यूचर में 2-3 साल तक यूज़ करते हैं फ़ोन को, और अगर नहीं यूज़ करते हैं तो फिर आप ऑब्वियसली ले सकते हो, लेकिन Redmi Note 10 Pro Max मत लेना, मेरा यही फ्रैंक ओपिनियन है। Mi 10i ले लो, Moto G 5G ले लो, Realme X7 कुछ भी ले लो यार, बट वो मत लेना। सो गाइस, 5G पे मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें सारा एक्सप्लेन करूँगा कि 5G के क्या क्या बैंड्स है, क्या नहीं, और क्या क्या हमें मिल सकता है एक्चुअल में, इंडिया में क्या आ सकता है। और उससे पहले मैं एक और वीडियो आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जो कि आई बटन में आपको मिल जाएगी, कि 5G बैंड्स कैसे चेक करें, कौन से फ़ोन में क्या 5G बैंड्स है, क्योंकि Realme Narzo 30 Pro में आपको मिल रहे हैं 5 5G बैंड्स, जो कि बहुत अच्छे हैं, बट Moto G 5G में तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो वो जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और पता कीजिए कि कैसे क्या है, और इंडिया में कौन सा बैंड आ सकता है, क्या नहीं, सब कुछ बात की है मैंने ये वीडियो में, जाकर जरूर देखिएगा। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छे लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय।